मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिया ज्ञापन। जी हां, जनता दल यूनाइटेड की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने ज्ञापन भेजा। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों की मौलिक समस्याओं एवं महिला अनुदेशकों की मानवीय एवं मूलभूत समस्याओं पर लगातार सरकारी उपेक्षा किए जाने के संदर्भ में अनुदेशकों की निम्न मांगों को लेकर जेडीयू महिला प्रकोष्ठ 27/12/2023 को लखनऊ इको गार्डन जाकर समर्थन करेंगी। निम्नलिखित मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी भेज दिया है। बता दें कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के आलोक में बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुदेशकों की उपयुक्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण के लिए अनुदेशकों के अभिभावक हैं। उपरोक्त तथ्यों को आलोक में अविलंब उचित और आवश्यक कार्यवाही किए जाने को लेकर शालिनी सिंह पटेल ने ज्ञापन भेजा और कहा कि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक उपरोक्त शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध 27/12/2023 से प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप अभिभावक की होगी। देखें शालिनी सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा। पटेल जी, मैं जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी ये मांगे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 27,000 जो अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी उनका मानदेय 9,200 रुपये है और एक कार उनसे लिया जाता है एक शिक्षक के बराबर, तो उनको जो है शिक्षक के बराबर उनको वेतन मिलना चाहिए। और ये 10-11 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देते आ रहे हैं। 2 अक्टूबर से बांदा में अशोक लाट में भी ये लोग अनशन कर रहे हैं, तो इनकी मांगे सुनी जाना चाहिए। जो भी संवैधानिक मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, उनकी संवैधानिक मांगों को पूरा करना चाहिए। जब एक जो टीचर के बराबर इनका जो है इनसे काम लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमसे संपर्क किया अनुदेशकों ने कि दीदी हम लोग जा रहे हैं इको गार्डन, हमें आपका समर्थन चाहिए। तो जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ की टीम उत्तर प्रदेश का पूरा इनका समर्थन करती है। हम इनके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और जो है अगर ये अनशन पर ना बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अभी संज्ञान ले लें तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में उनकी पढ़ाई भी ना बाधित हो। शिक्षा का स्कोप वैसे भी हमारे बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं है। तो आज हमने बांदा नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार हमारे ज्ञापन और उनकी मांगों को अगर ध्यान नहीं देती है तो जनता दल यूनाइटेड की टीम महिला मोर्चा की सड़कों पर उतरने का काम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।